डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं अपने इस आत्मकथा के रूप में कि 25 फरवरी 1988 बालासोर एने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश इस राज्य में शपनाश्र केंद्र के माध्यम से इस अग्नि को छुड़ा गया। तो उस समय किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो बताते हैं, तो वह बहुत ही सुविधा का अभाव था। वो सुविधाएं ब्लैक हाउस, ब्लैक पेड और नियंत्रण उपक्रम और दूरमित्री चरित्र साधन, ऐसे संसाधनों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे ही परिस्थिति में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनके टीम के 500 जो सदस्य थे, उन्होंने चुनिंदा राष्ट्रों में अपने देश का नाम वहाँ वैज्ञानिक और तकनीक क्षेत्र के रूप में सम्मिलित कर दिया गया। तो वह बहुत ही उन्हें सवालों का जवाब ढूंढना पड़ा। उन्होंने अपनी आंतरिक खोज की, इस खोज के माध्यम से उन्हें पता चला कि हाँ, एक ही अपनी पृथ्वी शपनाश्रय आश्रय एक ही भारत के लिए पर्याप्त होगा, यही अपना विकास का मार्ग होगा। उन्होंने इस बात का चिंतन किया। चिंतन करने के बाद उन्हें पता चला कि और भी 4-5 मिसाइल उन्होंने तैयार करके अपने देश के तकनीकी वैज्ञानिक क्षेत्र में विकास के पद पर रखकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने सदस्यों के साथ सम्मिलित काम करके उन्होंने अनमोल कार्य किया है, जो अपना देश इस वो जगत में, इस विश्व में बहुत ही वैज्ञानिक क्षेत्र में जाना माना जाता है। चुनिंदा राष्ट्रों में भारत का नाम अग्रेसर है, सबसे ऊपर अपने अमेरिका के बाद भारत का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। उन्होंने सोचा कि इस पृथ्वी शपनाश्र का उन्हें तकनीकी और परियोजना के प्रदर्शन के रूप में किया जाए तो उनका और भी हमें विकसित रूप हमारे देश के लिए सामने आएगा और उनका परिणाम बहुत ही हमारे लिए निष्पन्न होगा। इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस अपने इस मिसाइल के पृथ्वी से अग्नि तक जो सामना उन्हें करना पड़ा, जो कठिनाई करनी पड़ी, तो उनका सामना करना पड़ा, उनका कथन इस उनकी रचना के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है। हम ध्यान से उन्हें समझना चाहते हैं।